हेलो हेलो, आपका मतलूबा नंबर इस Hello? वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ Hello? देर बाद कोशिश कीजिए। कोई तो नेटवर्क ही नहीं आता। लो सिग्नल स्ट्रेंथ की झंझट से हो जाएंगे अब आप आजाद, क्योंकि जैज ने अपना फर्स्ट एवर पाकिस्तान में वाईफाई कॉलिंग फीचर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू आप अपने वाईफाई को इस्तेमाल करते हुए नेटवर्क कॉल्स कर सकते हैं। इस फीचर को बेसिकली जैज ने जैज फाई के नाम से मार्केट किया है। अब ये वाईफाई कॉलिंग जैज फाई ये क्या है, किस तरह काम करता है, इस फीचर को किस तरह एक्टिवेट करेंगे, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जैज फाई कॉलिंग फीचर ये बेसिकली है क्या, वाईफाई कॉलिंग किस तरह से काम करती है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इस फीचर को बेसिकली आसान अल्फाज में वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम जैज ने इसको लॉन्च किया है। यानी कि ऑब्वियसली इस फीचर को यूज करने के लिए आपका जैज यूजर होना लाजमी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैज फाई या वाईफाई कॉलिंग है क्या, किस तरह से काम करता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर आप बेसमेंट में हैं, शॉपिंग मॉल्स में हैं, या अक्सर जगहें ऐसी होती हैं, अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहां पर आपके मोबाइल की नेटवर्क स्ट्रेंथ इतनी कोई खास नहीं है, सिग्नल इश्यूज हैं, आपको कॉल्स वगैरह आती हैं, बहुत कट कट की आवाज़ आती है, तो ऐसी जगह पर अगर आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम भी है लेकिन अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबिलिटी है तो सिंपली आप वाईफाई को ऑन करते हुए, वाईफाई को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ोन से नेटवर्क की कॉल्स बहुत अच्छी रिसीव कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई लैग वैग, बिल्कुल डिस्टॉर्शन के बगैर क्रिस्टल क्लियर आवाज़ में आप बात कर सकते हैं। सिग्नल जैसे इश्यूज आपके मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं होंगे, बेशक नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ हो या ना हो। जैज फाई या वाईफाई कॉलिंग फीचर्स को आप किन किन फोन्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, इसके लिए ऑब्वियसली आपके पास जैज की सिम होना लाजमी है। आप जो भी फोन यूज करें उसके अंदर मेक श्योर करें कि 4G सिम हो जैज की, जो कि वॉइस ओवर वाईफाई के फीचर को सपोर्ट करती है। एंड नंबर टू, आपके पास ऐसा फोन होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट इंस्टॉल हो, या अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप मेक श्योर करें कि इसके अंदर अपडेट्स अगर आते हैं तो अपने फोन को लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पर अपडेट कर लें। ये फीचर को मैं डेमोंस्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा मेरे फोन के अंदर, विच इज सैमसंग A72। इस फोन के अंदर लेटेस्ट अपडेट्स अभी रिसेंटली आए थे, उसके बाद ये फीचर ऑटोमेटिकली वाईफाई कॉलिंग के नाम से मेरे फोन के अंदर ऐड हो गया था। तो सिमिलरली अगर आपके पास वीवो, ओप्पो, सैमसंग या कोई भी ऐसा फोन जिसके अंदर लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन इंस्टॉल है, अपडेट्स आपने किए हुए, तो आपके फ़ोन के अंदर भी ये फीचर होपफुली आ जाएगा। क्या वाईफाई कॉलिंग या जैज फाई के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे? नो, ये फीचर बिल्कुल फ्री है। सिंपली इस फीचर को यूज़ करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके फ़ोन में सिंपली 4G जैज की सिम होना लाजमी है, एंड सेकेंडली आपका फ़ोन वाईफाई कॉलिंग के फीचर को सपोर्ट करना लाजमी है। बाकी जहाँ तक बात रही चार्जेस की, तो ये फीचर चार्जेस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ना आपके कोई कम चार्जेस लगेंगे ना ज़्यादा। रेगुलर जो चार्जेस होते हैं आपके कोई भी कॉल करने के वो, या अगर आपने कोई बंडल किया हुआ है तो उसी बंडल के लिहाज से आपके मिनट्स वगैरह यूटिलाइज कर रहा होगा। बस इससे होगा ये कि आपकी, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ऐसी जगह पर जहाँ पर सिग्नल्स नहीं भी आते वहाँ पर भी आपको अच्छी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आएगी डिस्टॉर्शन के बगैर, लेकिन इसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं पे करने होंगे, और ना ही ऐसा है कि आपका नेटवर्क यूज़ ही नहीं होगा, आपके वाईफाई के थ्रू कॉल्स रहेंगी, ऐसा भी नहीं है। कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन भी जैज फाई के फीचर को सपोर्ट करता है या नहीं? सिंपली आपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके आपने नेटवर्क सेटिंग्स में जाके आपको वहाँ पर वाईफाई कॉलिंग की सेटिंग का फीचर मिल जाएगा। आप उसको वाईफाई कॉलिंग टाइप करके सेटिंग्स में सर्च भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपको वाईफाई कॉलिंग का स्विच नजर आए आप उसको सिंपली ऑन कर दें। और एल्स अगर आप भी सैमसंग यूज़र हैं तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली होपफुली अगर आपने अपडेट्स कर लिए हैं तो आप नोटिफिकेशन पैनल को जैसे ही स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में भी इसका एक शॉर्टकट ऐड हो जाएगा, जिसको ऑन ऑफ आप इजीली कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल के थ्रू ही। अब पता कैसे चलेगा कि वॉइस ओवर वाईफाई या जैज फाई या वाईफाई कॉलिंग आपके फ़ोन के अंदर चल रही है या नहीं? सिंपली जैसे ही आप इस फीचर को ऑन कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर, ऑटोमेटिकली आप डायल पैड में कोई भी नंबर डायल करेंगे तो कॉल के साथ भी आपको वाईफाई का एक छोटा सा बार नज़र आएगा। उसके अलावा आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन बार के अंदर जहां पर आपके नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही होती है उसके साथ छोटा सा वाईफाई का एक आइकन भी बना होगा, जिससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपके फ़ोन से आप जो भी कॉल रिसीव या डायल करेंगे आप वो वाईफाई कॉलिंग के थ्रू होगी। क्या इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर कोई स्पेशल अपडेट या कोई स्पेशल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी? वेल नहीं, क्योंकि ये फीचर आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट्स के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको एक जैज की 4G सिम चाहिए और आपके फोन के अंदर वाईफाई कॉलिंग का फीचर होना लाजमी है। क्या इस फीचर के थ्रू इंटरनेशनल रोमिंग भी पॉसिबल है? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग के लिए फीचर काम नहीं करेगा, सिर्फ पाकिस्तान में लोकल कॉल्स के लिए फीचर अवेलेबल होगा। अब इससे बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी सवाल आएगा कि मे बी शायद इससे PTA या नॉन PTA फोन्स पर कोई फर्क पड़ेगा, मतलब
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद अब इससे अब हम नॉन पीटीए फोन के थ्रू भी कॉल्स वगैरह मिला सकेंगे। वेल, इससे मैं आपको बताता चलूं कि फ़ोन का पीटीए होना लाजमी है, इससे पीटीए नॉन पीटीए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर एक्चुअल में फिजिकली सिम होना लाजमी है। क्योंकि अगर आपके फ़ोन के अंदर सिम होगी, अगर आपका फ़ोन ऊपर नेटवर्क में सिम के बेशक सिग्नल्स कहीं काम आ रहे हो, लेकिन सिम फिजिकल अगर होगी फ़ोन के अंदर, तभी जाके फीचर काम करेगा। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि सिम डाले बगैर आप वाईफाई के थ्रू डायरेक्टली कॉल्स कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। बेशक नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो, लेकिन सिम का होना लाजमी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेस फाइव कॉलिंग फीचर। आई होप आपको इस वीडियो से तकरीबन सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। और आई थिंक ये फीचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं या बेसमेंट्स या मॉल्स के अंदर, इवन बड़े बड़े मॉल्स के अंदर सिग्नल्स के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होते हैं, तो ऐसी जगहों पर ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपको डिस्टॉर्शन या आपकी आवाज़ कट कट के आना, या अक्सर औकात लोग कहते हैं कि यार कॉल कर रहे थे तो मैं फ़ोन बंद जा रहा था, तो ऐसे इश्यूज एटलीस्ट जैज़ की सिम होते हुए तो आप मेरा ख्याल है नहीं होंगे फ्यूचर में। बाकी आपको ये जैज़ का इनिशिएटिव कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दिस इज़ साद अहमद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ यार, अब बोल। हाँ नहीं यार, सिग्नल इश्यूज थे, लेकिन अब जैज़ फाई के थ्रू यूज़ कह रहा हूँ।